नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 सवा 8 बज रहे हैं, और मैंने पूजा वूजा कर ली है। मोस्टली सारा काम हो गया है। और है एक बात है, मैं वो बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा चलो सुबह उठ गई तो ब्लॉग की शुरुआत कर दे। आज अभी बच्चों की क्लास चल रही है, फिर उसके बाद हम जाएंगे, मतलब मे भी हो सकता है दोपहर तक हम लोग जाएंगे घर पे, क्योंकि पापा ने बुलाया है तो हम लोग घर पे भी जाएंगे। और आयु आयु खेल रहा है, यथात खेल रहा है, माही अपनी क्लास ले रही है, फिर आयु की भी 9 बजे क्लास है। और मैंने आप लोगों को बोला था मेरे ब्लॉग में कि हाँ नवरात्र का दिन कुछ है ऐसा जो मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, और समथिंग मेरे साथ होता भी बहुत अच्छा है। तो हाँ, गुड न्यूज़ तो है, उसके लिए हम करे आए हैं वो काम। बस जैसे ही वो हो जाता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और ब्लॉग तो देखते ही रहना पड़ेगा। देखो लेट्स सी, हो गया है मतलब मोस्टली काम, तो बस यही अब जा रही हूँ। जस्ट पूजा की है, थोड़ी देर पहले काम वाम हमारा हो चुका है। मेरा भी 9 डे का फास्ट है और मेरी सिस्टर इन लॉ का भी 9 डे का फास्ट है। अब जा रही हूँ कॉफ़ी या चाय, जिसको जो पीनी है वो बनाने जा रही हूँ मैं। देन उसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, और फिर देखते हैं कि हम लोग कब जाते हैं। तो फिर चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखो पालक, जी जिसको पालक चाहिए आके ले जाओ, इतनी सारी पालक। फिर मेरे टेरिस गार्डन से, ये महेश की मेहनत है ना महेश? बहुत दिल लगा के गार्डनिंग करते हैं, तो इतनी सारी पालक हो गई। ओह माय गॉड, फाइनली हम घर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कोई रीजन था नहीं जा रहे हैं। तो अब काम आ गया महेश को, तो महेश चले गए ऑफिस, तो हमारा वहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो गया। और आज आया था पेंटर, अब मैं घर जा रही हूँ वाइट वॉश मतलब पेंट करवाने। बहुत दिन से सोच रहे थे अब करवाए, बट है ना वो बैठ ही नहीं रहा था, कभी यहाँ जाना होता तो कभी वहाँ जाना होता, पर आज आया था पेंटर। फिर उसके 2-3 मतलब थर्सडे या फ्राइडे से स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि अंदर मंदिर रख रखा है, तो अभी से स्टार्ट करवाऊंगी तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला पहले बाहर वाला करेंगे, उसके बाद संडे मंडे करेंगे, तो तब तक मेरी पूजा का भी काम हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले बाहर वाला करें, तो इसलिए मैंने कहा थर्सडे या फ्राइडे से वो लोग पेंट करने आएंगे। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? फाइट नहीं करते दोनों, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं फिर खेलते रहते हैं, भी यही है। और बस अब दोपहर हो रही है और मैं बनाने जा रही हूँ व्रत का खाना, जो कि बहुत अच्छा लगता है, और उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ व्रत का खाना, जो कि मैं बनाऊंगी कुट्टू के आटे का चीला। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे, कुट्टू के आटे और पालक का। पालक खाते हम लोग फास्ट में, बहुत से लोग नहीं खाते आई थिंक। तो मैंने ये लिया कुट्टू का आटा, वो जाने के लिए बनाना। और ये मैंने पालक पीस के रखी है, थोड़ी सी हल्की सी बॉईल कर ली थी, तो मैं इसको बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी भी है और सही भी है, क्योंकि ज्यादा पूड़ी या बार बार ये सारी चीजें खाओगे ना तो नुकसान भी करती है। तो मैं ये बनाने जा रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी डालूंगी दही, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जीरा थोड़ा सा, एंड ब्लैक पेपर, ये ना कॉफी वाले वो उसमें रखा है ग्लास में, मुझे अच्छी लग रही थी इसे थोड़ा सा डालूंगी मैं। एंड इसमें मैंने पेस्ट में अदरक और ग्रीन चिली मैंने ऑलरेडी पीस रखी थी, तो और ये मैं डाल रही हूँ धनिया, ग्रीन ग्रीन चीला बनाने वाली हूँ, और सेंधा नमक जो फास्ट वाला नमक होता है, तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा वाटर डालूंगी, जैसे हम चीले का बैटर बनाते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग बनाना है। आप चाहे तो पालक डाल के कुट्टू के आटे में इसकी आप ग्रीन पराठा भी बना सकते हैं फास्ट में, जैसा भी आपको खाने का हो, जैसा भी आपकी इच्छा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी,
बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ट्राई करके देखना। मैंने सोचा मैं बनाने जा रही थी तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या पता किसी को कुछ नया आइडिया ही मिल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसे अच्छे से हम इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जो कि ये देखिए ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा, खाने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने मिक्स कर लिया, बस इसको चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे ऑयल घी, आप जो भी खाते हो तो आप वो लगा सकते हो। आप इसको ऐसे करके इसको फैला दो, और आँच हमें ना इसकी धीमे कर देनी है ताकि ये अच्छे से बनेगा चीला, बहुत ही हेल्दी है और अच्छा भी है। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे करना है फिलहाल तो। बाहर से ये देखिए इसको ऐसे पलट देना है और इसको ऐसे हल्के हाथों से, बहुत ही हेल्दी है ये चीला और आपका फास्ट में वेट भी नहीं बढ़ेगा ऑयली ऑयली खा के। तो आप ऐसे बना के खा सकते हैं, टिक्कियां भी बना सकते हैं आप आलू डाल के। और हमारा ये चीला हो गया और हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही मैं सारे बना लूंगी। हमारा चीला रेडी, आप ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। आप चाहे इसको कर्ड के साथ खाओ या चटनी के साथ, बट मैं इसको जा रही हूँ खाने चटनी के साथ। तो बनाया तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर दूँ साथ साथ ब्लॉग में ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में कैसी लगी ये रेसिपी। आती भी होगी बहुत जनों को, पर फिर भी बनता तो है ये ना शेयर करना। तो बस चलिए अब इसको फटाफट खा लेते हैं। अभी हो रही है शाम के 5:30 बज रहे हैं और एक काम और स्टार्ट होने वाला है, तो चलो अब तो काम तो ज़्यादा ही है। पहले कुछ और माइंड चेंज हो रहा था, पेंट का करवाने का ना मन था करवा दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल गंदी हो गई, क्योंकि जब हमने इस घर को लिया था तभी का हुआ है, मतलब अप्रोक्स 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो तब से करवाने, क्योंकि तब आयु छोटा था तब, तो वो वॉल पे उसने सब कुछ अल्फाबेट्स नंबर पता नहीं क्या क्या लिख रखा, हो ही जाता है बच्चों के घर में, औरों का पता नहीं, पर मेरे घर में तो ये लोग इसी को ब्लैक बोर्ड बना दिए थे। कितना ही मना करो बच्चे कर ही देते हैं, तो बट वही है ना, जो चीज़ सोची थी कि चलो अभी थोड़ी देर रुक के दिनों में रुक के करवाएंगे, बट वो इतना अचानक ही सारे काम हो जाते हैं। और बिल्कुल आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ और कुछ घर का डिफरेंट लुक चाहती हूँ मैं थोड़ा सा, कि मैंने अपने हिसाब से करवाया था, क्योंकि आपको पता ही है जब हम कोई फ्लैट या कुछ भी परचेस करते हैं तो जो बिल्डर्स होते हैं वो तो कैसा ही करवाते हैं, क्या ही मतलब, वो तो एक फॉर्मेलिटी करते, तो उन्होंने भी बस ये फॉर्मेलिटी करी है इस घर में कि मतलब ना ढंग से उन्होंने कुछ करवाया था, मतलब कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन तब हमने परचेज़ किया था तो हमने कहा चलो ठीक है जब हम अपने से करवाएंगे तो हम कुछ अच्छा सा करवाएंगे। तो बस वो फाइनल हो गया, आज पेंटर आया था, मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, फाइनल हो चुका है। तो थर्सडे से करेगा, पहले वो घर का बाहर का करेगा, मतलब आगे वाले कमरा, क्योंकि अंदर तो मैंने मंदिर कर रखा है, तो वो सैटरडे के बाद करेगा, पहले इधर का करेगा। तो सफाइयाँ भी बहुत सारी करनी है। और एक गुड न्यूज़ है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव होते जा रहा है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब कुछ तो है नवरात्रों का मेरे से कनेक्शन, मतलब मेरी किस्मत से, आई डोंट नो क्या, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ पॉजिटिव होती रहती, माता रानी की कृपा है। तो बस सबके साथ ही अच्छा होना चाहिए। तो वो गुड न्यूज़ मतलब कल गए थे, मैं आप लोगों को अभी क्लियर तो नहीं बता सकती क्योंकि हमारा उसका 50% काम हो चुका है, 50% का 80% समझ लो, 20% रह गया। मैं सोच रही हूँ जब वो चीज़ हो जाए
तो फिर मैं आप लोगों को बताऊं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है, दोबारा हो रही है, बट या सेलिब्रेट मतलब शेयर करना तो बनता है ना आप लोगों से। जब हम आप उन लोगों से अपनी छोटी छोटी सारी चीज़ें शेयर करते तो मैं भी आपको, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, फैमिली सारी चीज़ें आपको शेयर करना चाहिए, तो मैं भी बिल्कुल शेयर, एक्साइटमेंट बहुत है, खुश बहुत हूँ। बस आप लोगों की दुआ और माता रानी की कृपा की सारी चीज़ें बस पॉजिटिव पॉजिटिव हो सबके साथ, माता रानी सब कुछ अच्छा करे। होता ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं होता, ये जरूरी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम हो कुछ हो, बट ऊपर वाला ना हमेशा साथ देता है। अगर आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो ना तो आपके साथ बुरा होके भी वो चीज़ अच्छे में बदल जाती है, हमेशा याद रखना। ये मेरी सोच है और आई थिंक अब तक मैंने यही एक्सपीरियंस लिया है कि अगर मेरे मेरे साथ किसी ने बुरा भी करने की कोशिश की है ना, बट मैंने अच्छा किया है तो उसका मुझे रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिला। और मैंने आज तक कभी किसी के साथ, अपने जान में जहाँ तक मुझे चीज़ें पता है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया लाइफ में, और ना सोचती हूँ। मुझे बस थोड़ा सा ही है कि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो थोड़ी उस चीज़ के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, वो हर बंदे का नेचर होता है। मेरा नेचर यही है, मैं बैक बिचिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं ऐसे ही है। तो मुझे ना, मेरे एक नेचर है ना, मैं दुखी होती तो भी मेरे वो चेहरे पे दिख जाता, और मैं खुश होती हूँ ना तो वो भी मेरे चेहरे पे दिख जाता, और मैं सबसे शेयर, मतलब मन तो ऐसा हो रहा है कि अभी बता दूँ आपको, लेकिन कंट्रोल करके बैठी हूँ, चलो बताऊँगी बताऊँगी बताऊँगी, थोड़े दिन बस थोड़े दिन और रुक जाइए, बिल्कुल आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। बहुत दिन से सोची थी, वो हम लॉकडाउन से पहले सोच रहे थे, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर आपको पता ही आजकल क्या ही हो रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव बहुत कम ही हो रहा है लोगों के साथ, हम कितना वो हर चीज़ हर मतलब सब लोग ना हर तरह से बंद से गए हैं, जैसे सिचुएशन कंडीशन आप लोगों को तो पता ही है कैसी हो रही है। तो बस बिल्कुल वेट कीजिए, और प्लीज़ जो मैं चैनल पे नहीं हूँ वो सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेकअप वीडियोज़ कैसी लगती है आप लोग मुझे बिल्कुल बताइए, क्योंकि अब तो करवा चौथ और आने वाला है, मैं बहुत जल्दी मेकअप वीडियो और अच्छी अच्छी लेके आने वाली हूँ। तो ऐसे ही बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और कुछ नहीं। शाम हो गई है, बच्चे छत पे खेल रहे हैं बुआ के साथ, अब बस उसके बाद सोच रही हूँ सबका खाना अलग बनेगा, और मैंने मेरी सिस्टर ने फास्ट रखा तो सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों नवरात्रों में ना इतनी भूख सी नहीं लगती है मेरे को, बट वो आप दो टाइम कुछ खाते हो बिल्कुल, तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनाते हैं। चलिए, सो ये ब्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, मैंने कहा चलो बाकी की बातें मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी तो लंबा हो जाता, तो बस इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। बाकी बहुत कुछ मैं चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, अभी तो ये शुरुआत है, तो बस इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।